मैं विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। आजम खान पर दर्ज हो रहे मुकदमे के बारे में हमने एसपी से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि आजम खान पर अब तक 76 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इसमें 1982 से लेकर अभी तक जो भी तहरीर है उसमें से सभी शामिल हैं। इसमें महिलाओं को अवैध टिप्पणी को लेकर, किसानों की जमीनों को अवैध कब्जे को लेकर, इसी के साथ साथ कुछ लोग के घर तुड़वा कर लूटपाट करने को लेकर, इस तरह से सभी टोटल 76 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिसमें काफ़ी मामले पूर्व वर्षों के हैं, जिसमें इन्वेस्टिगेशन फिर हो चुकी है। हाल फिलहाल में जो मुकदमे हैं उनमें तफ्तीश की जा रही है। इसमें कई धाराएं ऐसी हैं जिसमें गिरफ्तारी का प्रावधान है। श्रीरामपुर से मुजाहिद खान की एक खास रिपोर्ट। अभी तक जो सांसद हैं आजम खान साहब, उन पर 76 जो FIR हैं वो पंजीकृत हुई हैं। इसमें 1982 से लेकर के अब तक जितने भी तहरीर पर मुकदमे कायम हैं वो सभी शामिल हैं। इसमें जो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी को लेकर के, जमीनों पर, किसानों की जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर के, इसी के साथ साथ कुछ लोगों के घर तोड़वा करके वहाँ पर लूटपाट करने की शिकायत पर, इस तरह से सभी टोटल 76 जो FIR हैं पंजीकृत हुई हैं, जिनमें काफ़ी मामले ऐसे हैं जो पूर्व के वर्षों के हैं और उसमें इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीट हो चुकी है और हाल फिलहाल में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनकी तफ्तीश अभी की जा रही है। टोटल 76 मुकदमे हैं। हाँ, कुल 76 मुकदमे दर्ज हुए। अच्छा, कुछ ऐसे भी मुकदमे हैं जिसमें गिरफ्तारी संभव है? देखिए, कई ऐसी धाराएं हैं जिनमें गिरफ्तारी का प्रावधान है। फिलहाल क्योंकि हमारी तफ्तीश अभी चल रही है, उसमें कई पहलू हैं उस तफ्तीश में, सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है, जानकारी जुटाई जा रही है, उन तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।